कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर मैदान में उतर आई है। आज बिहार में विशाल जनसभा में राहुल गांधी जनता से बात करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से आज इस यात्रा में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। तो क्या होगा आज यात्रा का शेड्यूल और क्या कुछ खास होगा आज की जनसभा में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस की पूरी टीम एक बार फिर बिहार की जनता के बीच पहुंच गई है। हवाई मार्ग से होते हुए राहुल गांधी पहले गया पहुंचे और यहां से सड़क मार्ग से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। औरंगाबाद में गांधी मैदान में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आएंगे। देश भर में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसे वक्त पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जनसभा में कांग्रेस किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में हुई विशाल जनसभा में राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की घोषणा कर दी है। तो अब बिहार की इस जनसभा में कौन सी नई घोषणाएं करेंगे कांग्रेस नेता, इसका इंतजार सभी को है। जनसभा के बाद राहुल सासाराम जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के अहम मुद्दे पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। फिर सासाराम से कैमूर होते हुए शुक्रवार को वह उत्तर प्रदेश निकल जाएंगे। इसके पहले यात्रा छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए बिहार आने वाली थी, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा में नामांकन की वजह से राहुल गांधी के शेड्यूल में बदलाव किया गया और राहुल जयपुर से लौटकर सीधे बिहार पहुंचे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।